जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं हूँ शाहिद। आप मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए साथ ही आज का मेरा टॉपिक है करेंट का, जो भी हाल फिलहाल बे ऑफ बंगाल में मिचौंग साइक्लोन देखा है उसके बारे में चर्चा करने गए। दोस्तों, मिचौंग के बारे में जानने से पहले हम साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। साइक्लोन क्या होता है? दोस्तों, वायु हमेशा उस दाब से लो दाब की तरफ प्रवाहित होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु हमेशा प्रवाहित होता है। तो साइक्लोन की स्थिति में होता है कि जब समुद्र में किसी जगह पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं तो वहाँ पे लो प्रेशर का क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण आसपास के जो हाई प्रेशर वाले वायु होती है उधर से उस क्षेत्र में प्रवाहित होने लगते हैं। प्रवाहित होने से सारे हम चारों तरफ की वायु एक जगह पर आकर मिलती है। मिलने से ये सब एक राउंड बनाकर ऊपर की तरफ वायुमंडल में प्रवाहित होने लगते हैं। इस स्थिति को ही हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो गया, इधर चारों साइड से वायु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चारों साइड की वायु यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चारों साइड से वायु यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है साथी। जैसे ही इस पॉइंट पे सार वायु मिलेगा, ये हाई प्रेशर का एरिया बन गया हुआ, यहाँ पे मिलेगा वायु, मिलते हुए इस शेप में ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। इस शेप में ऊपर उठते हुए वायुमंडल में चला जाएगा, तो इस स्थिति को ही हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। साथ ही इसका जो शेप होता है ये इंग्लिश के भी लेटर के समान होता है, ठीक है। साइक्लोन का जहाँ पे लो प्रेशर होता है इस पॉइंट को आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। आई ऑफ साइक्लोन के नाम से ये पॉइंट जाना जाता है जहाँ पे लो प्रेशर का एरिया होता है, ठीक है। साथ ही देख लेते हैं इस साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है ये किस टाइप का होता है, मतलब इस साइक्लोन में वायु किस डायरेक्शन से प्रवाहित होती है। इसके लिए दो कंसेप्ट है, एक है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे आप उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में एंटी क्लॉकवाइज जाता है। एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब है कि घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में इसका डायरेक्शन प्रवाह होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। वही दक्षिणी अक्षांश में आते हैं, दक्षिणी अक्षांश में ये क्लॉकवाइज देखा गया, ठीक है। क्लॉकवाइज करने का मतलब घड़ी की जो सुइयां चलती है उसी के दिशा में ये मूव करता है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज, देख रहे इसका डायरेक्शन ये ऐसे ही, तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों स्फीयर में किस वजह से होता है? ड्यू टू कोरियोलिस बल के वजह से होता है। ऐसे देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है, किस वजह से होता है? क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ये किस वजह से होता है? कोरियोलिस बल की वजह से, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स क्या है? जब ग्लोब मूव करता है उस मूव करने की वजह से एक बल क्रिएट होता है, उसी फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके वजह से ये क्रिएट होता है। दोस्तों, ये देख लिया, समझ लिया दोस्तों, मुझे साफ करना है, इसे कुछ आगे भी बताना है। इस साइक्लोन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिस तरह एरिया अलग अलग होने से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे मऊ को गाँव ग्रामीण इलाकों में माँ कहते हैं, शहर में उसी को मॉम कहते हैं, उसी को मदर बोलते हैं, लेकिन है सब एक ही, ठीक है।
वैसे ही साइक्लोन को ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इंडियन ओशियन में हम इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको हम कैरिबियन सी में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं इसको हम चाइना सी में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। वहीं नॉर्थ एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में से इसको विली विली के नाम से जानते हैं, विली के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये है सब एक ही अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों साइक्लोन कितने टाइप्स का होता है इसको देख लेते हैं। साइक्लोन में मुख्यतः तीन तरह का होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, फिर हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन और थर्ड में हो गया टर्नेडो, ठीक है साथियों, टर्नेडो, ठीक है। दोस्तों जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये मुख्यतः आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में देखा जाएगा, ठीक है। ये मुख्यतः ओशियन में, ये सामान्यतः कॉन्टिनेंट में देखा जाएगा, ठीक है। देखिए समझ गया दोस्तों, इसको आप नोट कीजिए तो साफ करना मुझे, ठीक है, साफ करना हो साथियों। अब हम देख लेते हैं कि मिचोंग साइक्लोन क्या है, ठीक है। मिचोंग साइक्लोन के बारे में जान लेता हूँ दोस्तों। मिचोंग साइक्लोन अभी हाल फिलहाल, इसको साफ करते हैं, ठीक है। मिचोंग साइक्लोन अभी हमारे देश के साउथ ईस्ट वाले एरिया में आया है, कहाँ पे देखा गया उसका डायग्राम। यह इंडिया वाला एरिया, इस जगह पे मिचोंग साइक्लोन मुख्यतः देखा गया, ठीक है। मिचोंग साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में देखा गया, और ये हमारे कंट्री के, हमारे देश के जो कोस्टल एरिया है उसमें तमिलनाडु में ज़्यादा हिट गया, तमिलनाडु में, आंध्र हो गया और इस उड़ीसा, तीन स्टेट में ये ज़्यादा हिट गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन देख लिए दोस्तों, इसका नाम जो मिचोंग रखा गया है, मिचोंग नाम रखा गया, ये म्यांमार के द्वारा रखा गया, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया, तो म्यांमार के द्वारा रखा गया, ठीक है। इसका मतलब होता है ताकत और लचीला, ठीक है साथियों। दोस्तों ये नाम रखने का जो पैटर्न है इसमें टोटल 13 कंट्री है, इसका लास्ट फाइव कंट्रीज 2018 में ऐड हुआ था, ठीक है। दोस्तों इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह के और भी कई सारी कंट्री है, ठीक है। जो फर्स्ट बार नाम रखने का परंपरा शुरू हुआ 2004 में, और इस टाइम ही 2004 में ही किस कंट्री के द्वारा, तो फर्स्ट बार IMD के द्वारा नाम रखा गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसका नाम क्या था,
उसका नाम था साइक्लोन साइक्लोन ओनील, ठीक है साथियों, ये था नाम। फर्स्ट बार में जो साइक्लोन आया था उसका नाम ओनील था। दोस्तों पिछली बार का साइक्लोन जो गुलाब होता ये भी बे ऑफ बंगाल में ही देखा गया था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, इसका नाम पाकिस्तान के द्वारा रखा गया, पाकिस्तान द्वारा इसका नाम रखा गया था। दोस्तों अभी जो साइक्लोन मिचोंग आया है इससे तमिलनाडु वाले एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला वहाँ पे। इसके वजह से जो भंवर बनता है समुद्र में ऊपर ऊपर वायु के साथ पानी भी ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद संघनित होके यह वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, जिस वजह से जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारी बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन जाती है। वही तमिलनाडु में देखा गया, तमिलनाडु में भी हाल फिलहाल में बहुत ही बुरी स्थिति कर दी है इस साइक्लोन मिचोंग, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही सिचुएशन जो रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पे कार बहते हुए देखा गया साथियों, तो ये बहुत डेंजर होता है। और साइक्लोन से रिलेटेड जो भी मेरा वीडियो था बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।